हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह देरावत, आपका मैथ्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। उम्मीद करता हूं कि इस साल आप जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो टारगेट है वो जिसमें उसमें आप सफल हो जाएं और ये होली आपके लिए एक कलरफुल होली के रूप में साबित हो, ताकि आने वाली सभी होलियाँ आपकी जिंदगी में अनेक खुशियाँ और रंग लेके आए। इसी उम्मीद के साथ विजयवत सेतु क्लासेज में आपका अभिवादन करता हूँ और मैं विजय सिंह देरावत। इससे पहले कि अपनी क्लास मैथ की स्टार्ट करूं, आपको बताना चाहता हूं कि आज होली के अवसर पर हमने हमारे दो नए सब्जेक्ट्स और चालू किए हैं, जिसमें आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो हमने रीजनिंग के लिए राजेंद्र सर को अप्रोच किया है और राजस्थान इंडियन पॉलिटी के लिए हमने अंगद सर को अप्रोच किया है। बेसिकली हमारा जो विजन है उन लोगों तक पहुंचाना है, मींस हमारा जो इस विजयपथ सेतु का लक्ष्य है वो है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे विलेज से शहर नहीं आ सकते किन्हीं कारणों से, मींस उनके कोई परिवार के अंदर दिक्कत है या फिर ऐसा कुछ रहता है कि मनी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो आ नहीं सकते, घर में कोई सदस्य नहीं है इस वजह से, तो उन सभी के लिए एक बेटर अप्रोच के साथ उनकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाना है और वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी उपलक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने विजय सेतु क्लासेस को चालू किया है, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आप भी ऐसे किसी बंदे को जानते हैं जो कि इस क्लास के थ्रू अपने आप कुछ फायदा कर सकता है या फिर कुछ सीख सकता है, तो आप उसे इस क्लास के बारे में बताइए और समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू विल अचीव योर टारगेट दिस ईयर। बढ़ते हैं हमारे मैथ के टॉपिक के ऊपर। तो अब तक हमारी 5 क्लासें आ चुकी है और अगर आपने सीधे आप इस क्लास पे सीधे आए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इस क्लास में सीधे पढ़ेंगे तो आपको शायद कुछ चीजें समझ में ना आए, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप क्लास 1 से हमारे वीडियोस देखते आइए, 1x1 स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। जिन लोगों की मैथ्स खराब है या जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, वो लोग भी अगर हमारी क्लास 1 से 1x1 वीडियोस देखेंगे तो वो भी उन बच्चों से आगे बढ़ सकते हैं जो लोग मैथ को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमारी क्लास के साथ में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको मैथ्स के बारे में कुछ पढ़ाऊं, अभी तक जो हमारी क्लास 1 के अंदर हमने नंबर्स के बारे में सीखा था, ठीक है, क्लास 2 के अंदर नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में सीखा था और क्लास 3 के अंदर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में, क्लास 4 के अंदर हमने बार ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्लास 5 में हमने सीखा है सतत भिन्न वितत भिन्न को किस तरीके से, कंटिन्यूअस भिन्न को किस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है और यह है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो चीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे वो कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाते हैं, गुणनखंड करने के बाद में आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये संख्या किस तरीके से निकालते हैं, इस बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और कहते हैं ना कि अगर आदमी कुछ भी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, तो आप भी ठान लीजिए कि मुझे मैथ सीखनी है और मैं मैथ सीख के ही रहूंगा। ठीक है, तो आगे इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ रूल्स ऑफ डिवाइडेशन मींस विभाजकता के नियमों के बारे में बताएंगे, ताकि आप गुणनखंडों को अच्छे से करना सीख जाएं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। तो हम बताते हैं आपको गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर्स। देखिए, एक होता है गुणनखंड फैक्टर्स और एक होता है गुणज मल्टीपल। गुणज मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो आपने गुणा सीखा होगा बचपन में, पहाड़े सीखे होंगे या नहीं सोखे होंगे, पहाड़े जो सीखे होंगे तो वो जैसे कि 2 से लेके आपने 20 तक पहाड़े याद किए होंगे, तो कैसे याद करते हैं आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6, इस तरीके से करते करते 2 10 जा 20, या हिंदी में याद किए होंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरीके से आप करते हैं 2 तक 20 तक। तो किसी संख्या के जो मल्टीपल्स होते हैं मींस
दो को अगर मैं एक से मल्टीप्लाई करूं तो दो आएगा, दो को अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करूं तो चार आएगा, दो को इसी तरीके से मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आएगा, और आगे अगर मैं बड़े मल्टीप्लाई करता जाऊं और 2 × 100 करूंगा तो 200 मल्टीपल आएगा। तो किसी संख्या दो, तो यहाँ पे हम दो के मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं कि दो का मल्टीपल अगर संख्या एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो आएगा, दो को अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आएगा, इस तरीके से तीन से चार से करते करते आप 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 के बाद अगर आप 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल वर्क कैसे करेगा कि दो के जैसे मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, 14, 16, 18, 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। आप अगर 2 को n नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो मल्टीपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2n। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई, मल्टीपल। जैसे कि आप अगर कोई आपसे बोल दे कि 3 के गुणज निकालिए, क्या निकालिए, 3 के गुणज, मल्टीपल निकालिए 3 के, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आप बोलेंगे 3, 3 को फिर 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, फिर 15, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, जैसे अगर 3 को आपने n से मल्टीप्लाई किया तो 3n, तो 3n आपके हो जाएंगे 3 के मल्टीपल, 2n हो जाएगा आपका 2n के मल्टीपल। इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या हो आपके पास में x, उस x की संख्या का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपके पास में x इंटू एन, और n क्या चीज है, n है आपके एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या एक से लेके और इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, और हमने संख्याओं के बारे में हमारी क्लास 1 के अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं बाकी आके के लिए। तो ये तो बात हुई गुणज की, देखो अब बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक गुणनखंड पे, क्योंकि गुणनखंड जब आप सीख जाएंगे तभी हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। देखो कोई संख्या है, जैसे कि एग्जाम्पल से सीखो कि 90 है, ठीक है, अब मुझे बोल दिया गया है कि 90 के आप गुणनखंड निकालिए, तो 90 के गुणनखंड निकालने के लिए आप बचपन से एक तरीका सीखते हुए आए हैं इस तरीके से, ये वाला मेथड। तो किसी संख्या में अब 90 है तो सबसे पहले क्या भाग देंगे और कैसे देंगे, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे निकालेंगे और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, टोटल गुणनखंड उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, एन सोन मैंने आपको 100 तक लिखाई हुई है अभाज्य संख्या वाले पोर्शन के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए 90 का जैसे मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो उससे पहले अगर आप बेसिकली 90 को अगर सिंपल गुणनखंड करना चाहते हैं तो बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको बताने नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 15 × 6 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 30 × 3 के मल्टीप्लाई में, आप इसको लिख सकते हो 10 × 9 के मल्टीप्लाई में, आप इसको लिख सकते हो 5 × 18 के मल्टीप्लाई में, और फिर 18 को ब्रेक कर सकते हो आप आगे 6 × 3 में। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड अगर देखे जाएंगे तो बहुत से गुणनखंड हो जाएंगे, और वो काउंट कैसे करते हैं वो सीधा तरीके से आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप अगर 90 के गुणनखंड इस तरीके से निकालने लगे कि कितने तरीके के होंगे, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि आपके 90 के गुणनखंड निकल जाएंगे। बात करते हैं हमें केवल अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, हमारे जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बेस्ट है वो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो 90 के मैं अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जो किसी संख्या में अभाज्य संख्या से भाग देने पर आते हैं। मीन्स अगर मैं 90 के अंदर अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से भाग दूं, ठीक है, तो 2 की या 3 की या 5 की 7 की जो घातें आएगी उनके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होगा, आपका 90 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए कैसे, जैसे 90 है तो सबसे पहले आप किसका भाग देंगे, 2 का। अब आप देखेंगे 2 का भाग 90 में जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 का भाग 90 में 45 टाइम्स। अब आप फिर से 2 का भाग देना चाहेंगे 45 में, क्यों, क्योंकि 45 जो संख्या आई आप हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे 90 में मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, 45 में भी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो 45 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर किसका देंगे, 3 का, और 3 का भाग अब जब आप देंगे तो 45 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो 3 का भाग चला गया, 2 का भाग नहीं गया था। अब बढ़ते हैं 15 के अंदर, 15 के अंदर आप देखोगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ओड नंबर्स में 2 का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं गया। फिर आप देखे देखोगे 3 का, तो 3 का भाग अगर आपने दिया तो 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, मींस 3 का भाग चला गया। तो इस तरीके से आप 1 by 1 सभी संख्या में भाग देते जाएंगे, जैसे 5 आ गया तो 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा,
तो आपने इसको कट कर दिया, अब आप देंगे 5 के बाद, तो 5 के बाद 5 पर चला गया इस तरीके से। तो आपके जब 1 आ गया लास्ट में एटलीस्ट, तो आपके अभाज्य गुणनखंड कट किया जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मीन्स अब आगे आपको किसी और संख्या से भाग नहीं देना। तो आप अब 90 को किस तरीके से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड की फॉर्मेट में, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 5। ये कैसे लिखा, 2 × 3 × 3 × 5। और इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 3 की घात 2 × 5। 3 की घात केवल 2 क्यों लिखा इसको, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार। अगर 2 जैसे एक बार था तो मैंने इसके ऊपर केवल 1 घात लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी 1 घात को आप रिप्रेजेंट नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 बार है 3 तो इसको 2 घात लिखेंगे। अगर 3 4 बार होता तो मैं 3 के ऊपर कितनी घात लगा देता, 4 लगा देता। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बढ़े आगे की तरफ, जैसे मुझे अगर बोल दिया जाए कि 108 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, तो यहां से आपको गुणनखंड फैक्टर्स की डेफिनेशन तो पता चली गई होगी कि किसी संख्या जैसे कि 108 है, उस संख्या में मैं किस किस का भाग दे सकता हूं, किस किस का भाग दे सकता हूं, वो जो चीजें होंगी वो आपकी क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। कैसे, जैसे कि 108 में 1 का भाग दे सकते हो, 2 का भाग दे सकते हो, 3 का भाग दे सकते हो, 4 का भाग दे सकते हो, क्या दे सकते हो, क्या, हाँ 4 का भाग दे सकते हो। फिर 5 का भाग जाएगा, नहीं 6 का भाग दे सकते हो, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, तो 8 का भाग भी नहीं जाएगा। इसके अलावा 9 का, तो 9 का भाग आप दे सकते हो। इस तरीके से आगे आप देखोगे तो आप दोगे इसके अंदर 12 का भाग, फिर 18 का भाग, फिर 18 के बाद आप 36 का भाग दे सकते हो इसके अंदर, फिर 54 का भाग दे सकते हो, और इसके बाद में खुद संख्या 108 का भाग दे सकते हो। तो 108 के ये सभी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और हमें जो निकालने होते हैं वो इनके फॉर्मेट्स में गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है। एग्जाम के अंदर जो पूछे जाएंगे कि 108 के टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं वो हमें जानने होंगे, तो वो किस तरीके से निकालेंगे उसके हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। देखो, जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि कोई संख्या है 1128 या फिर 1129 है, अब इस संख्या के आपको क्या करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। मीन्स अब मैं गुणनखंड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप संख्या में किस किस का भाग दोगे, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 17 19 23, इस तरीके से आप भाग दोगे या नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं होती है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। अब आप 1129 में भाग दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये चीज मैं बताने के लिए आपको ले चलता हूं विभाजकता के नियम, मीन्स रूल ऑफ डिवाइडेशन। ये चीज हम आगे आके करेंगे। देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि किसी संख्या के अंदर 2 का 3 का 4 का या 5 का या किसी संख्या का भाग कैसे जाता है, वो चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, गुणनखंड, अब चलते हैं, हेडिंग हमारी है विभाजकता के नियम। क्योंकि आप अगर एक बार विभाजकता के नियम सीख जाएंगे तो आपको गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, इवन फैक्टर्स निकालिए, ओड फैक्टर्स निकालिए या फिर टोटल फैक्टर्स निकालिए, आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने एक बार विभाजकता के नियम अच्छे से पढ़ लिए। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ डिवाइडेशन। देखिए, 1 का भाग तो सभी संख्या में जाता है, 1 का भाग तो सभी संख्या में जाता है। एक कोई भी एन नंबर है उसमें 1 का भाग दोगे तो एन ही आएगा हमेशा, तो 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। 0 में भी अगर 1 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा। मीन्स किसी भी संख्या एन में अगर 1 का भाग दो तो एन ही आता है। तो उम्मीद है कि ये चीज तो आपको पता होगी कि 1 का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 का नियम, रूल ऑफ 1। मीन्स किसी संख्या में 1 का भाग कब जाएगा, तो कोई भी संख्या हो एनी वन ऑफ नंबर, उसमें 1 का भाग क्या जाता है, हमेशा जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या n है उसमें आप अगर 1 का भाग दे रहे हो तो क्या आएगा, हमेशा खुद संख्या ही आएगी वापस से, ठीक है।
तो ये चीज तो आपको बचपन से पता है। अब हम बढ़ते हैं दो के नियम पे, रूल ऑफ टू मीन्स दो के विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या में दो का भाग कब जाता है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कोई संख्या क्या होती है, या तो सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है, तो जितनी भी सम संख्या है उनमें हमेशा दो का भाग जाता है। अब सम संख्या कौन सी संख्या होती है, संख्या सम संख्या वो संख्या होती है जिनका अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, मीन्स संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होंगे तो इन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, और इन सभी संख्याओं में दो का भाग हमेशा जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आपको संख्या दे दी 2048, 5151,296, 984,632 और इसी तरीके से माइनस के 1012। ठीक है, और संख्या दे दी जैसे आपको 2 अब आप इन संख्याओं में कैसे जान पाएंगे कि दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संख्या सम संख्या होती है या जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 होता है, उन संख्याओं में दो का भाग हमेशा जाएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक, अंतिम अंक बोल दो या फिर इकाई अंक बोल दो, इकाई अंक क्या है, 8 है, और 8 इस श्रेणी में है या नहीं है, मीन्स संख्या का इकाई अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, संख्या का यहाँ पे इकाई अंक देखिए 6, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ पे आपने देखा 2, इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें 3 है, अब 3 इसमें नहीं आता है तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। आप जब 2 का भाग दे के देंगे इसमें तो कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा होगा, मीन्स भाग देने का मतलब है कि पूरा पूरा भाग चले जाए, कोई भी शेषफल ना बचे, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा, इसका मीन्स इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा 2 का, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 8 है अंतिम अंक और 8 इस श्रेणी में आता है तो भाग जाएगा। 65, तो यहाँ पे 5 का भाग जाएगा क्या, वो 5 अंतिम अंक है तो क्या 2 का भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी कि 2 का भाग कब जाता है और 1 का भाग कब जाता है। बढ़ते हैं आगे 3 के नियम के ऊपर, कि किसी संख्या में 3 का भाग कब जाता है। देखिए रूल ऑफ 3, 3 का नियम, कोई भी संख्या हो उसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये जानने के लिए उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग 3 से क्या चले जाए, भाग चले जाएगा, तो संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा, तो संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। मीन्स अगर किसी संख्या के अंकों का योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चले जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। कैसे, जैसे देख एग्जांपल से समझिए, जैसे मेरे पास में एक संख्या है इस तरीके से, ठीक है, और एक संख्या है ये वाली, एक और संख्या दे दी उन्होंने जैसे कि, और एक और संख्या ले लेते हैं, ठीक है, अभी इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अगर मैं 3 का भाग देने बैठूं तो मुझे टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, और 3 का भाग मैं सभी संख्या में देखे देखूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मैं एग्जाम में इतना टाइम अगर स्पेंड करूंगा तो मेरे कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो सबसे एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो करता है टाइम, टाइम के साथ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी तो आप अपनी अप्रोच सही कर सकते हो प्रैक्टिस से, लेकिन टाइम का क्या करोगे, टाइम का बच्चों बचाने का जो तरीका है वो सबसे है कि आप बेटर अप्रोच के साथ में चलिए। आपको अगर ये चीजें पता होंगी तो आप जल्दी से क्लिक कर पाएंगे कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं, और अगर आपको पता चल गया कि भाग जा रहा है तो आप दे लेंगे, और नहीं जा रहा होगा तो आप छोड़ के आगे निकल जाएंगे। जैसे कैसे, जैसे कि मुझे बोला गया कि 9, 8, 7, 5, 4 क्या इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि संख्या के अंकों का योग, मीन्स संख्या में क्या क्या अंक है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है और 4 है, यहाँ क्या संख्या है, इनका योग कीजिए आप, तो आप करेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29 और 29 4 33, मीन्स आपके संख्या का जो योग आया, संख्या के अंकों का जो योग आया वो आया 33, और क्या 33 में 3 का भाग जाता है क्या, हाँ, कितनी बार भाग जाता है, 11 बार। मीन्स अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देख लीजिए,
आप तीन का भाग देखे देख लीजिए, तीन का भाग नौ में, तीन तीन नौ, फिर आठ में देंगे तीन दूनी छह, दो बचेंगे 27, नौ बार चले जाएगा, फिर यहाँ पे पांच है तो एक बार जाएगा, फिर दो बचेंगे तो 24 में 8 बार चले जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखिए बात करते हैं इस संख्या की, 3254398। इस संख्या के बारे में अगर हमें पूछा जाएगा इसमें तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अंकों का योग, तो तीन और दो पांच, पांच और पांच दस, दस और चार चौदह, चौदह और तीन सत्रह, और सत्रह और सत्रह चौतीस, और चौतीस में क्या तीन का भाग जाता है क्या? तो आप कहेंगे कि सर चौतीस में तीन का भाग नहीं जाता, क्यों? क्योंकि तैतीस बार जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा, और एक भी शेषफल अगर बच रहा है मींस कुछ भी शेषफल बचे तो मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, इसका मींस इस संख्या में तीन का भाग नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, जैसे कि इस संख्या में अगर पूछा जाए कि तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप आठ और नौ को जोड़ेंगे सत्रह, सत्रह और पांच बत्तीस, बाईस, बाईस और चार छब्बीस, छब्बीस और तीन उनतीस, उनतीस और दो इकतीस, इकतीस और नौ चालीस, तो क्या चालीस में तीन का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे कि तेरह तीन उनतालीस ही होते हैं, एक शेष पर बच जाएगा, तो इस तरीके से तीन का भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो इस संख्या में भी तीन का भाग नहीं जाएगा। इस संख्या की बात करते हैं, फाइव फोर नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व टू फोर्टीन, फोर्टीन और फाइव नाइनटीन, नाइनटी फोर ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री और नाइन थर्टी टू, और फोर्टी, फोर्टी और फोर्टी सेवन, तो फोर्टी सेवन में भी थ्री का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर होता है, इसमें खुद का एक का या फिर 47 का ही भाग जाएगा, थ्री का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इस संख्या में भी थ्री का भाग नहीं जाएगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर मुझे पूछ दिया जाए कि इस संख्या में क्या तीन का भाग जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे कि नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और सात अट्ठारह, अट्ठारह और तीन इक्कीस, इक्कीस और छह सत्ताईस, तो सत्ताईस में तीन का भाग चला गया, मीन्स इस संख्या में भी तीन का भाग चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि तीन का भाग किसी संख्या में कब जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूल ऑफ फोर, मींस चार का किसी संख्या में कब भाग जाता है उसके बारे में। देखिए रूल ऑफ फोर, कोई संख्या है जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ये एक छह अंकों की संख्या है, ठीक है। इस संख्या के अंतिम जो अंक, अंतिम दो अंक होंगे, उन अंकों को मिलाकर जो संख्या बनी होती है, मींस अंतिम दो अंक अगर मैं देखूं तो इकाई अंक मेरा है एफ और दहाई अंक अपना ई। अब ई और एफ को अगर मैं संख्या बनाऊं तो ई एफ संख्या बनेगी, और ई एफ में अगर चार का भाग जा रहा है तो मींस संख्या में भी चार का भाग जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक, मींस इनको जोड़ना नहीं है, इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या, इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या में अगर चार का भाग चले जाए तो संख्या में भी चार का भाग चला जाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल से समझिए, ऐसे मेथड से याद करने से कुछ नहीं होगा। मैथ में सबसे ज्यादा जो मायने रखती है वो रखती है प्रैक्टिस, और आपको सबसे ज्यादा चीजें जो सीखने को मिलती है वो चीजें सीखने को मिलती है एग्जाम्पल से। कैसे? देखिए जैसे कोई संख्या मुझे दे दी इस तरीके से, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी और मुझे पूछा गया कि इस संख्या में चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कैसे चेक करोगे कि इस संख्या में चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखिए ये पूरी संख्या है, इस संख्या के अंदर अगर इकाई अंक की बात करूं तो इकाई अंक है आठ और दहाई अंक है चार। तो मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संख्या में चार का भाग कैसे जाएगा, तो आप इकाई अंक को लीजिए आठ और दहाई अंक लीजिए चार, तो इकाई अंक और दहाई अंक से क्या संख्या बनी आपकी 48, 48, और 48 में देखे दीजिए आप भाग चार का, तो चार का भाग जब 48 में आप देंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार, मींस चार का भाग 48 में पूरा पूरा गया तो इस पूरी संख्या में भी चार का भाग चला जाएगा। आप देखिए देख लीजिएगा इस संख्या में चार का भाग पूरी पूरी बार जाता है और ये पूर्ण रूप से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि 39, 47, 65 और 876, ठीक है। ये जो संख्या है इस संख्या में चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, अगर ये हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए इसका अंतिम अंक है इकाई अंक छह और दहाई अंक है सेवन, तो 76, 76 हमारे पास में संख्या बनती है, और 76 में अगर मैं चार का भाग दूं तो चार का भाग 76 में कितनी बार चला जाएगा क्या? 19 बार चले जाएगा क्या? 1900 के क्या होता है 76, मींस चार का भाग अंतिम दो अंकों में जा रहा है, अंतिम दो अंक मीन्स अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, तो इस पूरी संख्या में भी चार का भाग चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ठीक है अब ये इस संख्या में चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इकाई अंक और ढाई है 8, तो इकाई अंक और ढाई अंक से मिलके संख्या बनी 81 और 81 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 80 में जाता है, 81 में नहीं जाएगा। जब आप भाग देके देखेंगे तो 80 बार तो जाएगा, मीन्स 4 गुणा 20 करेंगे तो 200 के 80 एक शेष पर बच जाएगा, और एक शेष पर बच जाएगा मीन्स इस संख्या में 4 का भाग नहीं गया, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 4 का भाग किस तरीके से देते हैं किसी संख्या में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, रूल ऑफ 5, कि किसी संख्या में 5 का भाग कब जाता है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो उस संख्या में हमेशा 5 का भाग जाता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग हमेशा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मुझे दे दिया एग्जांपल 3025, ठीक है, एग्जांपल दे दिया गया 8000, और एग्जांपल कैसे 987325, ठीक, या फिर एक और एग्जांपल दिया जा सकते हैं कि माइनस के 9876543020, इस तरीके से एग्जांपल दे दिया। अब इस संख्या में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसका इकाई अंक 5, तो 5 इकाई अंक है, तो आप सीधे देख सकते हैं कि इकाई अंक 5 होने पे संख्या में 5 का भाग जाता है, तो मींस इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। कैसे? आप भाग देके देख लीजिए, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार, उसके बाद में आप आएंगे आगे नेक्स्ट 2 पे, 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, मींस 6 बार, फिर 0 लगाएंगे, फिर 25 बन जाएगा तो 5 बार, मींस 605 बार भाग जा रहा है 3025 में, मींस इस तरीके से 3025 में भी 5 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप इकाई अंक 0, मींस इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। अगर इस संख्या की बात करें तो यहाँ पे इकाई अंक 5, तो इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक 0, तो इस संख्या में 5 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, माना कि भागफल नेगेटिव आएगा लेकिन संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे दिया जाए और इसमें 5 का भाग देने के लिए कहा जाए, तो आप जब 5 का भाग देंगे तो इकाई अंक यहाँ पे 9, तो क्या इस संख्या में 5 का भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं, 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, और 5 का भाग पूरा पूरा जाए तभी हम उस संख्या को मानते हैं कि इसमें 5 का भाग गया है। ठीक, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूल ऑफ 6 की। देखिए, संख्या में 6 का भाग कब जाता है, कि 6 जो होता है 6 वो बना किस किस से होता है, 2 और 3 से। आप जानते हैं 6 2 को और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 6 बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो किसी संख्या में 2 का भाग भी जाए और उसी संख्या में 3 का भाग भी जाए तो 6 का भाग भी, मींस कोई संख्या है आपके पास में और इस संख्या में मुझे चेक करना है कि 6 का भाग देना है, ठीक है, और इस संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये कैसे चेक करूंगा मैं? तो उससे सबसे इजी है कि आप संख्या में सबसे पहले 2 का भाग देके देख लीजिए, अगर 2 का भाग चला जाता है, और उसी संख्या में 3 का भाग देके देख लीजिए, और इस संख्या में 3 का भाग भी चला जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल सीखिए इस चीज को, कोई संख्या है मेरे पास में 216, ठीक है, इस संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये मुझे चेक करना है, तो सीधा भाग आप 6 का भाग देने बैठ जाएंगे इसमें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि संख्या में मैं अगर 2 से भाग दूं और संख्या में अगर मैं 3 से भाग दूं और 2 का भाग मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो आपको पता है कि 2 से भाग के देने का भी मैंने आपको मेथड बताया कि संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या में 2 का भाग चला जाता है, तो आपने देखा कि इकाई अंक संख्या का 6 है मींस 2 का भाग चला जाएगा। आप सीधी ये बात बता सकते हैं, क्या आपको 2 का भाग देके तो ना देखना होता है, आपको पता है कि इस संख्या के अंतिम अंक 6 है तो इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, हर संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है। बात करते हैं कि 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 से भाग का मैंने आपको मेथड बताया कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो संख्या के अंकों का योग कीजिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, मींस 9 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। और अगर संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है तो क्या संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे 6 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक दूसरी संख्या देखिए, बात करते हैं 1024 की। ठीक है, इस संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप बोलोगे कि इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अंतिम अंक है 4, तो सर कि 2 से भाग
चार है, क्योंकि सम संख्याओं में दो का भाग जाता है, या फिर जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उन संख्याओं में दो का भाग जाएगा। बात करते हैं तीन की, क्या तीन का इसमें भाग जाएगा? तो आपने अंकों को जोड़ा, 1 और 2 3, 3 और 6 7, तो 7 में 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 3 का भाग जब 7 में देंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा और पूरा पूरा भाग नहीं जाता। मींस 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आप देख भाग देखे देखेंगे इसमें 6 का, तो 6 का भाग भी संख्या में नहीं जाएगा। 6 का भाग जाने के लिए ये कंपलसरी है कि संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और सीखिए, आपने एक संख्या ले ली, ठीक है, इस तरीके से आपने एक संख्या ले ली और इस संख्या में आप से पूछा गया कि संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप संख्या में 2 का भाग देखे देखेंगे तो इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देखे देखेंगे तो जोड़िए अंकों को 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 24 और 3, 27, 27 और 6, 33, तो संख्या 33 में 3 का भाग चला जाता है। तो संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, तो क्या संख्या में 6 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। उम्मीद है कि 6 से भाग देना आप सीख गए होंगे। आगे कोई भी संख्या होगी उसमें आप तुरंत जांच कर पाएंगे कि संख्या में 6 का भाग कैसे देते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, रूल ऑफ 7। देखिए किसी संख्या में 7 का भाग कब जाएगा उसके बारे में जानिए। कोई भी संख्या है आपके पास में, जैसे कि एबीसी एक संख्या है, 3 डिजिट की एक संख्या है, इस संख्या के अंदर अगर मुझे 7 का डिवाइडेशन देखना है कि 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि संख्या का इकाई अंक क्या है यहाँ पे सी, तो संख्या के इकाई अंक को दोगुना कीजिए, मींस 2 से गुणा कीजिए और इस संख्या जो 2 सी संख्या बनी हुई है इसको एबीवी से घटा दीजिए। मींस आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास में एबीसी एक संख्या थी, आपने सी इकाई अंक को हटाया तो आपके पास में बची हुई संख्या क्या रह गई? एबी, और एबी जो बच गई उसमें से इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना एबी में से 2 × सी। आप जब ये घटाएंगे तो जो बची हुई संख्या, मतलब कि जो सॉल्व करने पे जो संख्या आएगी उसमें अगर 7 का भाग जा रहा होगा तो एबीसी में भी 7 का भाग चले जाएगा। कैसे? देखिए एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे कोई संख्या है आपके पास में 182, अब इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये मुझे जानना है, ठीक। तो कैसे? आपको मैंने बताया कि संख्या का इकाई अंक है उसको अलग कर दीजिए, इकाई अंक को अलग कर देंगे तो 18 अलग और 2 अलग, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है और ये बची जो 18 संख्या है इसमें से 2 को घटा दीजिए, तो 18 में से 2 × 2 कितना होता है? 4, तो 18 में से 4 कितना? 14। 14 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे कि 14 में भाग जाता है 2 बार, तो 182 में भी 7 का भाग चले जाएगा। आप आगे देखे देख लीजिए, 7 का भाग 182 में, 7 × 14, 4 बचेंगे 6 × 7 = 42, मींस कितने बार? 26 बार इसका भाग 7 का चले जाएगा इस संख्या के अंदर। एक और संख्या देखिए, जैसे ये संख्या है, ये जो संख्या है इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक को अलग कीजिए, तो इकाई अंक को अलग किया और 3 को आपने अलग किया, फिर क्या करना था आपको, इकाई अंक को 2 से गुना करना था, इकाई अंक को 2 से गुना कर दिया, 987 में से 3 × 2 तो कितना आ जाएगा 6, तो 987 में से आपने 6 को घटाया तो आपके बच गया 981। अब 981 में आप 7 का भाग देके देख लीजिए, 7 का भाग, अब 981 में आप 7 का भाग देने नहीं मत बैठ जाएगा, फिर से आपको यही मेथड फॉलो करना है कि 981 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या कीजिए 981 को फिर से इस तरीके से 1 को अलग कर दीजिए और 98 को अलग कर दीजिए, 98 अलग किया और 1 को अलग किया, 1 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 98 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 96। अब 96 में 7 का भाग दीजिए, तो 7 का भाग जब 96 में देंगे तो क्या जाएगा भाग? तो आप देखे देंगे 7 का भाग 1 बार, फिर बचेंगे 26, तो 26 में भाग 7 का नहीं जाता, मींस इसमें भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा और इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। आपको क्या करना होता है, अगर आपको बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या को पहले छोटे रूप में रिप्रेजेंट करिए, फिर उस छोटे रूप को और छोटे रूप में रिप्रेजेंट करिए, ताकि आप यहाँ से अंदाजा लगा पाएं कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप बड़ी संख्या का तुरंत बता पाएंगे कि संख्या में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो उम्मीद है कि रूल ऑफ 7 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं रूल ऑफ 8 की तरफ। देखिए रूल ऑफ 8, किसी संख्या में 8 का भाग कब जाएगा ये जानने के लिए, कोई भी अगर संख्या है, कोई भी अगर संख्या है हमारे पास में, उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, संख्या के इकाई अंक, दहाई अंक
और सैकड़ा अंक से बनी संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 8 का भाग चले जाएगा। जैसे कि रूल ऑफ आपने 4 सीखा था कि संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 का अगर भाग जा रहा था तो आप संख्या में भी 4 का भाग देना सीख रहे थे। तो उसी तरीके से इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इन तीनों से बनी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, संख्या मेरे पास में है, इस तरीके से एक संख्या है और इस संख्या में मुझे जानना है कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो संख्या में मुझे पूछा गया था कि संख्या में 8 का भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप हो सकता है, या कि क्या इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कुछ तीन ऑप्शन दे देंगे आपको और इन संख्या में से कौन सी 8 से भाज्य नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो इन तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी किस तरीके से सोल्व किया जाए, बड़ी संख्याओं को किस तरीके से जल्दी सोल्व किया जाए, उसके लिए देखिए। जैसे कि 8 का भाग संख्या में देने के लिए मैंने आपको बताया कि संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक देखिए, तो 4 इकाई अंक है, 6 दहाई अंक है और सैकड़ा 8 है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि संख्या जो बनी मेरी वो बनी 864, और 864 में आप किसका भाग देखे देखेंगे 8 का, और 8 का भाग अगर 864 में देखेंगे तो 8 का भाग 8 में गया कि नहीं गया, एक बार गया, और फिर यहाँ पे बचेंगे 0, 6 में भाग नहीं जाएगा, शून्य लगाना पड़ेगा, 64 में भाग कितने बार चला जाएगा 8 बार, मीन्स 864 में एक संख्या का 108 बार भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चले जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग गया है तो इस संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। अगर संख्या कुछ इस तरीके से पूछ ली जाती, इस संख्या में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप फिर से वही अंतिम तीन अंक देखेंगे 987, और इस संख्या में 8 का भाग देके देखेंगे, तो 8 का भाग देके दीजिए इसमें, या तो आप अगर इस तरीके से भाग देना नहीं जानते तो आप इस तरीके से सिंपली भाग दे सकते हैं कि 8 का भाग 987 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा 18, दो बार भाग देंगे 16, दो बचे 27, तो तीन बार भाग देंगे 27 और तीन शेषफल बच जाएगा, मींस इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा 8 का, तो 987 में 8 का भाग नहीं गया तो संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं रूल ऑफ 9 की तरफ। देखिए ज्यादा रूल्स नहीं है आपको, केवल रूल जो सीखने होते हैं वो मैक्सिमम 11 तक सीखने होते हैं, उसके बाद में अपने आप आपकी संख्याएं कवर हो जाएंगी। देखिए रूल ऑफ नाइन, किसी संख्या में 9 का भाग कब जाएगा ये जानने के लिए अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से समझिए, कहने का मतलब है कि किसी संख्या में अगर किसी संख्या के अंकों का योग में 9 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। कैसे? जैसे कि मुझे एक संख्या दे दी गई, इस तरीके से एक संख्या दी गई है, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको चेक करना है। तो देखिए मैं संख्या के अंकों को जोड़ूंगा, ठीक है, और इसमें चेक करूंगा कि 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। एक तरीका है कि आप जैसे 9 बने तो संख्या को काट दीजिए, क्योंकि 9 का भाग 9 में देना है, ठीक है, तो जैसे 9 बने तो संख्या को काट दीजिए। जैसे कैसे? कि आपको 6 और 3 बना तो काट दिया, 5 और जैसे कि 8, इसमें और कोई 9 बन नहीं रहा, हाँ 7 और 2 9 बन रहा है तो ये भी काट दिया, 9 खुद बन रहा था ये काट दिया, ये काट दिया, 8 और आपने किसको जोड़ा 5 को, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 बच जाएगा, और 13 में क्या 9 को भाग जाएगा क्या? नहीं, तो आप कह देंगे कि इस संख्या में 9 को भाग नहीं जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, तो देखो समझने की कोशिश कीजिए कैसे समझा रहा हूं मैं, संख्या में 9 का भाग देना है तो मुझे अंकों का योग करना है, और उसमें अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। तो अंकों का योग आप करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, 40 9 39, 49, 49 में अगर 9 का भाग आप देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं, कितना शेषफल बच जाएगा? 4 शेषफल बच जाएगा, और 4 अगर शेषफल बच रहा है मीन संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप बोलेंगे कि इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझाना चाह रहा था कि क्योंकि संख्या में 9 का भाग तो देना ही है, अगर मेरा ऊपर अंक 9 बन रहा होगा मीन्स जैसे कि मैं 9 + 9 + 9 जोड़ रहा हूँ और संख्या में 9 जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 8 और 7 को जोड़ा मैंने, तो ये 9 जो जुड़ेंगे इनमें तो 9 का भाग हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो मैं इन 9 को सीधा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं केवल 8 और 7 15 में भाग देके देख रहा हूँ 9 का कि इस संख्या में भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो मुझे इसी से जल्दी पता चल जाएगा कि संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे आपको समझाया था कि 9 को आप काट दीजिए, इस 9 को भी काट दीजिए, और 8 और 2 को 8 और
सात और दो को आपने जोड़ा और छह और तीन को आपने जोड़ा, तो ये नौ और बन रहे थे, तो इन दोनों के जोड़ों को भी आपने काट दिया, तो बची हुई संख्या जो आपकी रह जाएगी आठ और पांच रह जाएगी, और आठ पांच को जोड़ेंगे आप तो तेरह, तेरह में नौ का भाग जाता नहीं है, इसका मीन्स संख्या में भी नौ का भाग जाएगा नहीं। देखिए एक दूसरी संख्या समझिए इसको, ताकि आपको सारा एक बार में क्लियर हो जाए। संख्या जैसे कि तीन, इस तरीके से आपको एक संख्या दे दी गई है, इस संख्या में नौ का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहला मेथड तो जो आपको अभी तक समझ में आया है कि संख्या के अंकों का योग कर दीजिए और उसमें नौ का भाग दे दीजिए, तो सात और आठ पंद्रह, पंद्रह और नौ चौबीस, चौबीस चार अट्ठाईस, पांच तैतीस, तैतीस दो पैंतीस, पैंतीस और तीन अड़तीस, तो अड़तीस में नौ का भाग नहीं जाता, तो यहाँ से इस संख्या में भी नौ का भाग नहीं जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि आप नौ को सीधा काट देते, पांच और चार को सीधा काट देते, क्योंकि पांच और चार कितना हो जाता है नौ, और दो और सात को सीधा काट देते तो बचे थे आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह में नौ का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो आप बोल देते कि संख्या में भी नौ का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि कुछ संख्या इस तरीके से लिख दी गई है मेरे सामने और इस संख्या में नौ का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपके पास में जो पहला मेथड है उससे आप कैसे करेंगे कि संख्या के अंकों का योग करेंगे कि नौ का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो पांच और चार नौ, नौ और छह पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह और सात पच्चीस, दो सत्ताईस, सत्ताईस आठ पैंतीस, पैंतीस एक छत्तीस, छत्तीस और नौ पैंतालीस, पैंतालीस में नौ का भाग जाएगा, पैंतालीस में अंकों के योग में नौ का भाग जा रहा है, मीन संख्या में भी नौ का भाग जाएगा। दूसरा मेथड कौन सा था कि आप सीधे नौ को काट दीजिए, एक और आठ नौ बन गया तो नौ काट दीजिए, दो और सात नौ काट दीजिए, तीन और छह नौ काट दीजिए, चार और पांच नौ को काट दीजिए, मीन्स यहाँ पे जीरो से इस पर बचा तो जीरो में नौ का भाग जीरो बार, मीन्स टोटल बार जा रहा है नहीं जा रहा, तो आप संख्या में भी नौ का भाग चला जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर कि किसी संख्या में दस का भाग कब जाता है, रूल ऑफ टेन। संख्या में दस का भाग जाने के लिए सबसे जो इजी वे है वो है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के बनते हैं कि संख्या में दस का भाग कब जाएगा, तो आपको ये तो पता है कि संख्या के अंतिम अंक अगर जीरो होगा तो उसमें संख्या में दस का भाग हमेशा जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर दस में, बीस में, तीस में, सौ में, हजार में, 2010 में, 5050 में, तो संख्या के अंत में जीरो अंक अगर है तो उस संख्या में 10 का भाग हमेशा जाएगा। अगर जैसे कि संख्या मेरे पास में 325 होती, इसमें चूंकि इकाई अंक जीरो नहीं है तो इस संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा, पांच से इस पर बच जाएगा, इसलिए इस संख्या में 10 का भाग नहीं जाएगा। बढ़ते हैं रूल ऑफ ग्यारह की तरफ। देखिए दस का रूल इजी है, केवल आपको जीरो देखना है इसमें अंदर, है ना। रूल ऑफ ग्यारह, किसी संख्या रूल किसी संख्या में ग्यारह का भाग कैसे जाएगा, तो कोई संख्या अगर मेरे पास में इस तरीके से लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से एक दस अंक की अगर एक संख्या लिखी हुई है और इस संख्या दस अंकों की संख्या में मुझे भाग देना है ग्यारह का, तो अगर मैं अपने भाग मेथड से करने बैठ जाऊं इस तरीके से भाग देख के, तो वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी एग्जाम में कवर करना है, तो वो कैसे चेक कर पाऊंगा मैं, तो देखिए उसका जो मेथड है कि किसी संख्या में ग्यारह का भाग कब जाएगा, ग्यारह से भाग कब जाएगा, तो आपको क्या करना है कि संख्या में दाएं तरफ से बाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ से बाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ से बाएं तरफ आप इसको काउंटिंग कर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, मीन्स आपने क्या किया, दाएं तरफ से बाएं तरफ आप चले और दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ आपने काउंटिंग नंबर्स पे लिख दी, जैसे वन जे पे, टू आई पे, इस तरीके से करते करते आप टेन तक आ गए ए पे। अब आपको क्या करना है कि जो सम स्थान ऊपर है, जो सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग, संख्या मीन्स सम स्थानों पर अंकों का योग और इसमें से घटा देना है विषम स्थानों पर अंकों के योग को। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि सम स्थान कौन कौन से होते हैं, आपका सम स्थान जो होता है दो चार छह आठ दस, और विषम स्थान एक तीन पांच सात नौ, ये विषम स्थान होते हैं, विषम संख्याओं को विषम स्थान, सम संख्याओं को सम स्थान। तो देखिए एक जो है वो विषम है कि नहीं है, तो आपका ये विषम में आएगा, आई है वो सम पे है तो सम स्थान पे आएगा, इस तरीके से विषम नीचे, ये सम ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, इस तरीके से देखो जोड़ेंगे अगर हम इसको तो किस तरीके से राइट हैंड साइड से चलना है आपको, तो सबसे पहले दो, तो दो पे क्या है आई, फिर चार पे है जी, फिर छह पे है ई, फिर आठ पे है सी, फिर दस पे है ए, इन सभी अंकों को जोड़ लिया और इन अंकों में से किसको घटाना है, विषम स्थानों पर जो अंक है, तो विषम स्थानों पर कौन कौन से, जे एच एफ डी और बी, तो जे
और पी, इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों को घटाने पर या तो जीरो आ जाए, मीन्स इसका योग और इसका योग अगर बराबर हो गया तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो भी आ जाए, या फिर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो कि 11 से विभाजित है, या फिर ऐसी कोई संख्या आ जाए जो कि 11 से विभाजित है, तो उस पूरी संख्या के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है इसमें 11 का भाग चला जाएगा। अगर ऐसा होता है कि संख्या में तो योग जो घटाने पे आते हैं वो जीरो भी नहीं आता और संख्या में 11 का भाग भी नहीं जा रहा, तो संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। देखिए मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। जैसे कि इस तरीके से 10 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और 10 अंकों की संख्या में मुझे चेक करना है कि संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 11 से भाग का भी मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले क्या करिएगा, इस पर काउंट लिख लीजिए। अगर आपको काउंट लिखने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको तुरंत ऐसे अपने ही मन के अंदर काउंट कर लेंगे कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, और आप सीधे लिख देंगे कि एक नंबर पे जो है उसको किस में जोड़ना है। आपको क्या करना है, सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, वो क्या करना है, आपस में घटाएंगे और चेक करना है। सम स्थान पर अगर मैं बात करूं तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो आपने 1, 3, 5, 7 और 9 को क्या किया, जोड़ा। इसमें से आप घटाएंगे 0 1 विषम संख्या पे, देखो विषम पे बैठा हुआ है नहीं बैठा 0, 3 विषम पे बैठा हुआ है नहीं 2, 5 विषम पे बैठा हुआ है, वो 4 जो है विषम संख्या में बैठा हुआ है, ये 7 की जगह पे 6 बैठा हुआ है विषम पे, और 9 की जगह पे 8 बैठा हुआ है विषम संख्या पे। मीन्स आपको क्या क्या जोड़ना है, 1 पे है 0, 3 पे है 2, 5 पे है 4, 7 पे है 6 और 9 पे 8, इसमें आप जोड़ देंगे। अब आप इनको अगर आपस में जोड़े तो 1 और 3 4, 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 25 में से 20 को अगर घटाते हैं तो 5 शेष में बचता है। 5 ना तो 0 है ना ही 11 से विभाजित है, मींस कि इस संख्या में 11 का भाग ना तो जा सकता है ना ये 0 के बराबर था, तो मींस टोटल संख्या के अंदर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। एक और दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि इस बार हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल है और इसमें चेक करना है कि 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है 11 से भाग चेक करने का, कि सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग। अब देखिए मैं काउंटिंग लिख नहीं रहा, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि सम स्थान पर कौन कौन बैठा हुआ है। तो 8 सम स्थान पर बैठा हुआ है, 6 सम स्थान पर बैठा हुआ है, 4 सम स्थान पर है, 2 सम स्थान पर है और 0 सम स्थान पर, ये हो गए सम स्थानों पर। विषम स्थानों की अगर मैं बात करूँ तो 9, 7, 5, 3, 1 और 5, ठीक है, इस तरीके से ये विषम स्थानों पे। आप इनका अगर एडिशन करेंगे 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, यहाँ से 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 3 24, 25, 25 और 4 5 30, तो 20 में से 30 घटाने पे आते हैं माइनस का 10, और क्या माइनस 10 जीरो के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या माइनस 10 11 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं। तो मीन्स इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाता, तो इस टोटल संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा तरीका, एक और एग्जाम्पल देखिए, इस बार मैंने ले लिया कुछ संख्या इस तरीके से, ठीक है, और इस संख्या में मुझे चेक करना है कि 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, सम स्थान पर अंक का योग माइनस विषम स्थान पर अंक का योग चेक करना है। इसमें अगर 11 का भाग जा रहा हो या संख्या 0 के बराबर हो तो 11 का भाग पूरी संख्या में चला जाएगा। कैसे, सम स्थान पर आप अगर चेक करें तो सम स्थान पर कौन कौन बैठा हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, विषम स्थान पर आप अगर चेक करेंगे तो 6, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सभी इस पे विषम स्थान पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 12, 12 और 8 20, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31। अब देखिए 20 में से 31 को जब घटाते हैं तो कितना बचता है, माइनस 11, और माइनस 11 में ये 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 11 का अगर आप भाग देखेंगे माइनस 11 में तो माइनस एक बार भाग चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, मीन्स इस संख्या में 11 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या के अंदर भी 11 का भाग चला जाएगा।
समझ में आया होगा कि 11 का भाग किसी संख्या में कैसे जाता है, कैसे चेक करते हैं जल्दी से। तो बढ़ते हैं अगले पे, जैसे कि रूल ऑफ 12। तो अब अगर आपको रूल ऑफ 11 तक समझ में आ गया होगा, तो आप 6 और उसको 6 को देखा है आपने, तो 6 में आपने देखा था कि किसी संख्या में 2 का और 3 का अगर भाग जा रहा होता है तो 6 का भाग भी चला जाता है। उसी तरीके से 12 का अगर आप चेक करना है तो किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा होगा, 4 का भाग भी जा रहा होगा, तो 12 का भाग भी संख्या में चला जाएगा। जैसे कि बात करते हैं रूल ऑफ 14 की, संख्या में 14 का भाग कब जाएगा, तो उस किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा हो और 7 का भाग भी जा रहा हो तो संख्या में 14 का भाग चला जाएगा। रूल ऑफ 15 की अगर बात करें, तो रूल ऑफ 15 कैसे बनता है, 3 और 5 से बनता है या नहीं बनता, तो संख्या में 3 का भाग भी जा रहा हो और 5 का भाग भी जा रहा हो तो संख्या में 15 का भाग भी जाएगा। रूल ऑफ 16 की अगर बात करें, तो 16 के लिए जैसे कि 4 के लिए अंतिम 2 अंक थे और 8 के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या थी, तो 16 के लिए अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में अगर 16 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 16 का भाग चला जाएगा। रूल अगर बात करें 18 की, तो 2 और 9 से बना होता है, तो संख्या में अगर 2 का भाग भी जा रहा होता है और 9 का भाग भी जाएगा तो संख्या में भी 18 का भाग चले जाएगा। तो इस तरीके से संख्याओं में चेक करते हैं। जैसे कि अगर एक और संख्या चेक की जाए, रूल ऑफ 25 कि किसी संख्या में 25 का भाग कब जाता है, तो संख्या का अंतिम अंक या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या फिर 75 हो, ये अगर दो दो डिजिट्स हैं वो अंतिम अंक रहे संख्या के, तो उस संख्या में 25 का भाग हमेशा जाएगा। तो उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आई होगी, विभाजकता के नियम कि किसी संख्या में कितनी अंकों का भाग कब जाता है। देखिए बात आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 13 का 17 का ये क्यों नहीं बताया, तो 13 और 17 का आप जो मेथड याद करेंगे ना, उससे अच्छा है कि आप 13 और 17 का भाग दे लीजिए, उसके अंदर जल्दी हो जाएगा। इसलिए 13 और 17 का कोई मेथड नहीं है, उसको अगर क्रिटिकल हो जाता है काफी, तो आप सीधा भाग दे लीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि विभाजकता के नियम में आपको ध्यान रखने होते हैं। देखिए कोई भी ऐसी संख्या जो कि 3 सेम डिजिट्स को बना के बनी होती है, मींस कोई भी ऐसी संख्या जो कि जैसे ए एक डिजिट है, एक डिजिट है ए, तो इसको 3 बार रिपीटेशन से बनी है, उस संख्या में 3 का और 37 का भाग हमेशा जाएगा। मींस कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या आपके पास में 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, ऐसे करते 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 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, ऐसे करते करते 9 9 9 तक हो जाएगा, तो इन सभी संख्याओं में 3 का और 37 का भाग हमेशा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 से तो आप कर लेंगे जल्दी से कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा होगा तो ये चीज तो आप कर लेंगे, लेकिन 37 का आपको ध्यान रखना होगा कि संख्या में अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 37 का भाग उसमें हमेशा जाएगा। तो एक नेक्स्ट कंसेप्ट और सीखिए कि 6 अंकों से बनी संख्या, मीन एक ही अंक को 6 बार प्रयोग किया, एक ही अंक को 6 बार प्रयोग किया और उससे जो बनी संख्या है वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। मींस कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या इस तरीके से बनी हुई है, एक कितनी बार है 6 बार है और दो कितनी बार है 6 बार है, तो ये संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि अगर मैं 999 ये 6 बार लिख दूं तो ये संख्या भी किससे होगी, 3 7 11 13 और 37 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है कि आपको विभाजकता के नियम समझ में आ गए होंगे। और हम बात कर रहे थे गुणनखंडों के लिए, हम बात कर रहे थे गुणनखंडों के बारे में। अब चूंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं सोचता हूं कि हमें गुणनखंडों को किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड फाइंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड क्या होते हैं, विषम गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि संख्या के अंत में जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए मैं सोचता हूँ कि आप भी थोड़ा बोर हो गए होंगे लंबी क्लास के लिए, और होली का भी सीजन है तो थोड़ा मौज मस्ती कीजिए, और क्योंकि पढ़ाई तो चलती रहती है लेकिन पढ़ाई के साथ में जो त्यौहार है उनका सेलिब्रेशन भी जरूरी है, तो क्लास को भी साथ में बनाए रखिए ताकि आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी उसमें कोई अड़चन नहीं आए, और त्यौहार को भी साथ में सेलिब्रेट कीजिए और अपने फैमिली का साथ बनाए रखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर थोड़ी बहुत क्लास हमारी पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये सब चीजें नहीं आती है वो इन सब चीजों को सीख पाए, और उससे क्या होगा, उन लोगों का भला होगा। तो बने रहिए विजय बोध सेतु क्लासेस के साथ में। धन्यवाद।